Hello everyone. So today we will going to discuss your continuous culture. ठीक है? तो continuous culture में basically क्या होता है आपका कि जिस rate से आप media को add कर रहे हो, उसी rate से media को क्या करते हो आप remove. ठीक है? तो उस वजह से हमारे पास एक turbidity stat होता है और एक आपका chemostat. तो turbidity stat में basically क्या होता है? आप एक turbidity set कर देते हो. तो अगर medium की turbidity उससे ज़्यादा होती है, raise करती है तो so automatically fresh medium will be added. Chemostat के अंदर we keep a particular nutrient in a limited amount. जैसे वो खत्म हो जाएगा तो आपकी growth भी रुक जाएगी. तो जब आप वो medium provide करोगे तभी further आपकी growth start होगी. ठीक है? तो इसमें जो हम पढ़ेंगे एक monad chemostat equation. So this is very important क्योंकि जो main हमारा जैसे result है कि हमें एक dilution rate होता है और एक specific growth rate. वो दोनों equal होने चाहिए. Dilution rate and your specific growth rate वो equal होंगे, so that is one of the condition for continuous culture. ठीक है? तो dilution rate basically क्या होता है आपका flow rate by volume, कि जो भी जिस rate से आप medium में flow करा रहे हो और जो भी आपकी volume है. ठीक है? So we have a particular equation that is known as monad's chemostat equation. ठीक है? तो इसमें क्या है? Rate of addition to the system कि जो भी आपका medium है, जो भी fermenter है उसमें जो आप add कर रहे हो माइनस रेट ऑफ रिमूवल फ्रॉम द सिस्टम और टू द सिस्टम एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन विद इन द सिस्टम. तो वो सारे जाने चाहिए जीरो. ठीक है ना? जैसे कॉन्टिन्यूस कल्चर में बेसिकली यही होता है कि आप जिस रेट से प्रोडक्ट बन रहे हैं उसी रेट से आप रिमूव कर रहे हो, या सेल्स जिस रेट से ग्रो कर रहे हैं उसी रेट से आपने उनको रिमूव करना है. तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, रेट ऑफ एडिशन टू द सिस्टम इज एफ एक्स नॉट. ठीक है? रेट ऑफ रिमूवल फ्रॉम द सिस्टम इज एफ एक्स and rate of production within the system is V gamma X. ठीक है? तो ये F क्या है, X note क्या है, आपका V क्या है. तो जैसे X basically क्या है, viable cell mass in reactor, कि जो already आपके पास reactor है उसमें कितना cell mass है, and effluent stream, कि जो effluent stream मतलब जो बाहर जिससे आप बाहर निकाल रहे हो cells को. ठीक है? X note viable cell mass in feed stream, जिससे आप feed कर रहे हो. ठीक है? फिर है F. F is the volumetric flow rate of the effluent and feed stream. ठीक है ना? ये हमने same रखना है कि जिस rate से आप add कर रहे हो उसी rate से आप remove कर रहे हो. ठीक है? V क्या है? Volume of the culture in the vessel, कि जो भी आपका fermenter है उसमें कितनी volume है. ठीक है? And gamma X, इसको हम क्या भी note कर रहे हैं, rate of cell formation, that is dx by dt, कि with time cells का जो number है वो कितना change हो रहा है या increase हो रहा है. So the rate of addition to the system can be written as Fx naught. ठीक है? And rate of removal to the system is or from the system is Fx. ठीक है? And rate of production within the system is V into gamma X. ठीक है? तो F क्या आपका मैंने बताया कि जो flow rate है, और X note क्या जो viable cell mass in the feed stream, क्योंकि ये cell mass आप डाल रहे हो. ठीक है? Minus में क्या आएगा, जो flow rate effluent stream का है, और X जो already जो आपका culture vessel है उसके अंदर cell का biomass है. ठीक है ना? तो जिस flow rate से आप remove कर रहे हो F into X. और B क्या है, volume of culture in the vessel and rate of cell formation, कि जितने rate of production किया dx by dt उसको हम किससे multiply कर रहे हैं, volume से. तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपके तीनों ये हमने लिखे हैं इसको we divide by the volume B. ठीक है? So it can be written as F by B X naught minus F by B X plus B by B gamma X. ठीक है? F by B को मैं क्या बोलता हूँ, dilution rate. ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं, flow rate by volume को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन रेट. सो यहां पर हम f / d को क्या लिख देंगे, d. सो इट विल बिकम dx नॉट, दिस विल बिकम dx, और इस ये क्या रह जाएगा, सिर्फ गामा x, जो कि v से v क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट. ठीक है? सो इसके बाद dx नॉट माइनस dx प्लस गामा x, तो इसको हम जो गामा x वाला फैक्टर है वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद x एंड डिवाइडेड बाय x, दोनों एक x से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं. तो ये हमने इसलिए किया क्योंकि then we can write this particular factor in the form of mu. mu हमने क्या पढ़ा था कि specific growth rate क्या होता है आपका dx by dt dot 1 by x. ठीक है? So अब dx by dt dot 1 by x is your mu. ठीक है? यहाँ पर हमारे पास क्या है, gamma dot x by x. तो gamma x by x को मैं क्या लिख सकता हूँ आपका mu, क्योंकि dx by dt मैंने क्या बताया आपको, क्या है gamma x. So this is gamma x dot 1 by x. So gamma x by x can be written as mu. तो यहाँ पर हमने gamma x by x को क्या रख दिया, mu. This will be x. ठीक है? That is equal to zero. तो final equation हमारे पास क्या आ गई,
dx naught minus dx plus mu x is equal to 0, ठीक है? अब इसमें हम क्या करते हैं, इनिशियल स्टेज, मतलब जब आप स्टेराइल फीड कर रहे हो, मतलब स्टार्टिंग में जब आप फीडिंग कर रहे हो, तो हम कह रहे हैं कि उसके अंदर कोई भी माइक्रोब नहीं है, ठीक है, एट दैट टाइम, तो x नॉट क्या होगा मेरा, 0, ठीक है, x नॉट 0 है तो बेसिकली क्या क्या रहेगा आपका, dx will be equal to mu x, और dx is equal to mu x, x x कैंसिल हो गया, so d will be equal to mu, ठीक है, तो ये कंडीशन होती है कॉन्टिन्यूस कल्चर की, कि डाइल्यूशन रेट और आपका जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है वो क्या होना चाहिए आपका इक्वल है।